संकट काल में कार्यकर्ताओं को जनता की सेवा के लिए, जन सेवा के लिए किस तरीके से लगाना चाहिए, उन्होंने इस कोरोना काल में जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था और जन आकांक्षा थी कि उनकी कोई सेवा करे, तो भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मोर्चों के माध्यम से और संगठन के माध्यम से देश के लोगों की सेवा करने का उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया और पूरे देश के कार्यकर्ता उनके आह्वान पर देश की जनता की सेवा करने में जुट गए। ये हम सबके लिए गर्व की बात भी है और उन्होंने हम सबको प्रेरणा भी दी है। एक बार जोरदार ताली बजा करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। और अब मैं निवेदन कर रहा हूं उनका स्वागत करने के लिए माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब उनके साथ उपस्थित हैं। माननीय तोमर साहब से निवेदन करूंगा कि वो माननीय नड्डा जी का स्वागत करें। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर स्वागत कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। वर्चुअल रैली है ये। स्वागत करें। अब मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय थावरचंद जी गहलोत साहब से, वो पधारे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। साथ ही अब मैं निवेदन करूंगा हमारे नव निर्वाचित राज्यसभा सदस्य माननीय श्री ज्योतिरादित्य जी सिंधिया से, वो पधारे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करने। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री विष्णु दत्त जी शर्मा को, वो पधारें और स्वागत भाषण दे। माननीय वीडी शर्मा जी, सॉरी मैं करवा देता हूं। हमारे मंच पर विराजित माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश जी विजयवर्गीय के स्वागत के लिए मैं पहले आमंत्रित कर रहा हूं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए शरतेंदु तिवारी जी को, वो आए और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का कृपया स्वागत करें। साथ ही मैं निवेदन करूंगा भाई नरेंद्र पटेल जी को, वो आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी विधायक, वो आए और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय का स्वागत करें। श्री सुमित पचौरी जिला अध्यक्ष भोपाल, वो आए और माननीय प्रभात जी झा साहब का स्वागत करें। अब हमारे जो लोकतंत्र सेनानी हैं जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब लोक सक्षम नेतृत्व देश के अंदर आता है। सक्षम नेतृत्व जब सत्ता को संभाल करके आगे बढ़ता है और उसकी नीतियां, उसका संकल्प जब सार्थक तौर पर सबके सामने पूरे देश के अंदर उन्होंने संकल्प लेकर के वो आगे बढ़ते हैं कि इस देश के अंदर भारत को हम दुनिया के एक उस पैमाने पर ले जा करके खड़ा करेंगे जो स्वामी विवेकानंद ने कभी कल्पना की थी कि भारत दुनिया का सिरमौर बन करके खड़ा होगा। आज मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं और बहुत एक सशक्त उसके साथ कहता हूं कि पूरे देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कार्यशैली, अपनी योग्यता के बल पर, अपनी मेहनत और क्षमता के बल पर और संकल्प शक्ति के आधार पर संपूर्ण भारत का मान और सम्मान परम वैभव पर दुनिया के अंदर ले जाने का काम
भारत माता के सर को मस्तक ऊंचा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए आज हम सब लोग संकल्प लेकर के माननीय देश के यशस्वी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को हम सुनेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे लोकनायक माननीय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब को, वो पधारे और हमको संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता जिन्होंने कोरोना काल में कैसे संपर्क किया जाता है इसकी एक नई विधा ईजाद कर दी, वर्चुअल रैली के माध्यम से करोड़ों लोगों से जुड़ने का जिन्होंने काम किया है और भारतीय जनता पार्टी को सक्षम और प्रभावी नेतृत्व दिया है, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए नड्डा जी का, वंदन कीजिए नड्डा जी का, अभिनंदन कीजिए नड्डा जी का। क्योंकि मध्य प्रदेश में वैसे तो अध्यक्ष बनने के बाद इंदौर में कार्यक्रम संपन्न हुआ था, लेकिन कोरोना काल के बाद पहला कार्यक्रम है उनका, दिल्ली में ही मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी पंचायत और ग्रामीण विकास के माध्यम से सेवा कर रहे हैं देश की, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य, भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री, राज्यसभा में हमारा नेतृत्व करने वाले आदरणीय श्रीमान थावरचंद गहलोत जी, नरेंद्र सिंह जी का भी, थावरचंद जी का भी ताली बजा के स्वागत कीजिए। और राज्यसभा में अभी अभी नव निर्वाचित होकर मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में जो विराजमान होंगे हमारे लोकप्रिय जन नेता आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ताली बजा के उनका भी स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। या मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के भाग्यशाली अध्यक्ष जिनके आते ही कांग्रेस के गलों का ढहना शुरू हो गया, भाई विष्णुदत्त शर्मा जी, बंगाल में ममता जी के तंबू के सारे खंभे उखाड़ने वाले हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो मध्यप्रदेश की सेवा में भी कोविड काल में लगे हुए आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लेखक, चिंतक, पत्रकार, राजनेता आदरणीय श्रीमान प्रभात झा जी, आदरणीय सुहास जी, आदरणीय नरोत्तम जी, आदरणीय तुलसी जी, बहन मीना सिंह जी, सभी वरिष्ठ नेतागण, क्योंकि सभी वरिष्ठ भी है और कनिष्ठ भी, लेकिन हम सबके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जिनको मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, लोकतंत्र सेनानी जिन्होंने इंदिरा गांधी जी के खिलाफ हुंकार भरी थी और लोकतंत्र बचाने में जिनके परिवार तबाह और बर्बाद हो गए थे, ऐसे हमारे लोकतंत्र सेनानीगण, मेरे प्रिय कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, 25 जून की रात आज भी याद आती है। हम तो उस समय बहुत छोटे थे, अचानक रात में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। राहुल बाबा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अरे इतिहास में तो झांक के देखो, राहुल गांधी अगर हिंदुस्तान के विभाजन की गुनहगार गोई है तो वो गुनहगार कांग्रेस पार्टी है। अगर हमारे भारत के 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा किया है तो राहुल बाबा उसके गुनहगार भी तुम्हारी कांग्रेस पार्टी है, तुम्हारे नेता है।
और देश में लोकतंत्र का गला घोंटने का पाप जिनने किया, हजारों लोग जेल में डाल दिए गए। उनका दोष क्या था, उनका अपराध क्या था? कोर्ट ने फैसला इंदिरा जी के खिलाफ किया, जयप्रकाश जी ने हुंकार भरी सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रामलीला मैदान में क्या सभा हुई थी, पूरे देश में उसकी अनगूंज थी। और अटल जी का वो भाषण अविस्मरणीय है, इंदिरा गांधी के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, कांग्रेस की सत्ता कांप गई, जनता का समुद्र निकल पड़ा कांग्रेस के खिलाफ। लोकनायक जयप्रकाश जी जिंदाबाद के गगनभेदी नारे लगे, इंदिरा जी घबरा गई। ये कांग्रेस का इतिहास है, सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकाल लागू कर दिया गया, लोकतंत्र का गला घोंटा गया, सारे वरिष्ठ नेता जेलों में, विपक्षी दलों के कार्यकर्ता जेलों में। ये हमारे भारतीय जनसंघ संघ हमारे कार्यकर्ता हैं बैठे, क्या दोष था इनका? सबको जेलों में डाल दिया गया, और जेलों में आज जैसे नहीं डालते कि नारे लगाए, गाड़ी की डग्गे पर चढ़े और वापस लौटे आए। हम तो 16-17 साल के थे, इस हबीबगंज थाने में बंद करके वो ठुकाई हुई थी, कोहनियों में डंडे और घुटनों में डंडे, जोर जोर जब बादल गरजते हैं और बिजली कड़कती है तो आज भी इंदिरा जी की याद दिला देती है। छोटे छोटे मासूमों को जेल में ठूंस दिया गया। इस कहानी में जाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे। विभीषण सिंह जी जैसे हमारे वरिष्ठ बैठे, हमारे हसमत बारसी का क्या कसूर था? जेल में बंद थे, बीमार हुए, तड़पते रहे, हम चिल्लाते रहे अस्पताल ले जाओ। लेकिन उस समय की उस सरकार ने, पत्थर दिल सरकार, तड़पते भोपाल जेल में दम तोड़ दिया हसमत बारसी ने। एक ने यानी को कार्यकर्ता जिनके घर और परिवार तबाह और बर्बाद हो गए, काम धंधे व्यवसाय ठप हो गए, परिवार तोड़ दिए गए, लेकिन लोकतंत्र बचाने की खातिर जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, हमारी राजमाता जी जेल में थी, अटल जी, अडवाणी जी, राजमाता जी ग्वालियर जेल में, और उनको अपराधी पहले ग्वालियर बाद में तिहाड़ में, और उनको रखा गया अपराधियों के साथ, अपराधी महिलाओं के साथ। ऐसा न्याय कोई करता है? काहे की कांग्रेस, इस कांग्रेस के इतिहास ही अपराध और पापों से भरा हुआ है। लोकतंत्र के हत्यारों, आज तुम उंगली उठाते हो मोदी जी की तरफ। नरेंद्र मोदी भारत को भगवान का वरदान है, नरेंद्र मोदी देश का मान और सम्मान है। आज पूरी दुनिया जिनकी तरफ चमत्कृत होकर देखती है, उनको उंगली उठाने के पहले सोच लिया करो। अपनी पार्टी के पाप तो देख लो तुम, सत्ता में जब जब आए भ्रष्टाचार के नित नए रिकॉर्ड खड़े कर दिए। मध्यप्रदेश में तो 1.5 साल में ही गजब कर दिया, बल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया, वादे नहीं निभाए, वचन पूरे नहीं किए। एक मुख्यमंत्री सामने दिखता था मुखौटा, दूसरा पीछे था। अब असली कौन था, नकली कौन था? नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रहे। और आज फिर भैया दांव पेच खोल के फूल सिंह बरैया को पीछे धकेल के और फिर राज्यसभा में पहुंच गया।
ज्योतिरादित्य जी का, ज्योतिरादित्य जी का मैं अभिनंदन करता हूं, सही समय पर सही कदम उठा के मध्य प्रदेश को तबाही और बर्बादी से बचा लिया। 5 साल में खा जाती है मध्य प्रदेश को। आज माननीय नड्डा जी को हम सुनेंगे इसलिए विस्तार में नहीं जा रहा। मध्य प्रदेश का विकास तुमने ठप्प कर दिया, योजनाएं बंद कर दी, बेटियों के कन्यादान तक के पैसे खा गए, गरीबों के कफन के 5,000 तुम खा गए। और आज बात करते हैं कांग्रेस के लोग, ये कोरोना काल माननीय अध्यक्ष जी, जब हमने सत्ता संभाली पार्टी के आदेश से, रात में 10 बजे जब मैं बल्लभ भवन गया 9 बजे शपथ ग्रहण करके, तो एक बैठक उस मुख्यमंत्री ने कोरोना से निपटने के लिए नहीं की थी, टेस्टिंग लैब नहीं दी। हां, बैठक जरूर कर रहे थे कैलाश जी, और वो भी इंदौर में आईफा के लिए, सलमान खान और कैटरीना, कौन थी कैटरीना कर अजैकली कोई, अब वो बैठक का समय था तुम्हारे पास। मध्यप्रदेश को कोरोना से बचाने का समय नहीं था। अगर ये कमलनाथ और कांग्रेस होती है, मध्यप्रदेश तबाह और बर्बाद हो जाता। इंदौर में फैल चुका था कैलाश जी, दिन और रात लगे रहे वहां। हमारे विष्णुदत्त शर्मा अध्यक्ष जी, आज मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं सुहाल जी, पार्टी ने कोरोना काल में जनता की जो सेवा की है वो अद्भुत है, अभूतपूर्व है। माननीय नड्डा जी का मार्गदर्शन हमको मिला कि मैं मुख्यमंत्री बना, एक लैब किया, 26 लैब है, हजारों टेस्ट रोज हम कर रहे हैं। और आज मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं, कोरोना को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा है मध्य प्रदेश ने, पूरी तरह से कंट्रोल। 2300-2400 से ज्यादा एक्टिव केस नहीं है, अस्पताल स्वास्थ्य विभाग का सुदृढ़ीकरण, सारे जरूरी उपकरणों का इंतजाम सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और उस दौरान जब संकट के समय ये दादा कमलनाथ तो कहते थे पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, कोई भी कुछ मांगने जाए पैसे ही नहीं है, खजाना खाली है, लेकिन 38,000 करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं के तहत अगर जनता के खाते में डाला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाला, हमने डाला, विकास के काम फिर प्रारंभ हो गए, संबल योजना फिर चालू हो गई, गरीबों का बल बन गई, बच्चों की स्कॉलरशिप खाते में डाल दी गई, गरीबों के खाते में पैसा डालने का इंतजाम किया गया। नरेंद्र सिंह तोमर जी बैठे हैं यहां, नरेंद्र सिंह तोमर जी यहां बैठे हैं, मनरेगा में आश्चर्यजनक रूप से 26 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला, और अब तक अलग अलग योजनाओं में 50 लाख लोगों को रोजगार मध्य प्रदेश सरकार दे चुकी है। और मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है आत्मनिर्भर भारत के लिए, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी को आज आप सब कार्यकर्ताओं को उसे विश्वास दिलाना चाहता हूं, दिला दूं, अरे जोर से बोलो दिला दूं, माननीय नड्डा जी आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री जी और आपके संकल्प को मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सरकार पूरा करके दिखाएगी। सरकार और जनता कार्यकर्ता साथ मिलकर काम करेंगे। आज मध्य प्रदेश में आपने समय दिया, इसके लिए आपका अभिनंदन, और अब विस्तार से हम आपको ही सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे केंद्रीय पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री और कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब से कि आज मध्य प्रदेश की जनसंवाद रैली है, और इस उपलक्ष में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। ये प्रतीक चिन्ह मुरैना जिले के मितावली का है, जो 64 योगिनी मंदिर का चित्र है, और ये 10वीं शताब्दी में बना था।
लुटियन जब दिल्ली का विकास करने की संभावनाएं खोज रहे थे तो उन्होंने वहां भ्रमण किया और उसी आधार पर हमारे देश का लोकसभा का संसद का भवन निर्मित हुआ है। उसकी उसका चित्र माननीय तोमर साहब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय तोमर साहब। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके अध्यक्षीय कार्यकाल में भारत में फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनी है और उन्होंने कोरोना काल में जो पूरे देश की जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से लगाया है वो उनके नेतृत्व क्षमता का ही कमाल है। ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी को आमंत्रित कर रहा हूं और आप सबसे निवेदन करूंगा कि जोरदार ताली बजा करके दोनों हाथ खड़े करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो हम सबको संबोधित करें। माननीय नड्डा जी आज के इस वर्चुअल रैली में भोपाल में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी और बहुत ही लोकप्रिय संवेदनशील जनता के साथ बहुत बहुत प्रेम रखने वाले ऐसे हमारे मुख्यमंत्री सम्मानीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे बहुत ही कर्मशील और जुझारू और जोश से भरे हुए ऐसा दिशा देने वाले प्रदेश के अध्यक्ष सम्मान्य विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जिन्होंने बंगाल में एक बहुत ही विशेष किस्म का नेतृत्व देकर के बंगाल के कार्यकर्ताओं के माध्यम से बदलाव की ओर अग्रसर हुए हैं, ऐसे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हम सबको प्रेरणा भी देने वाले और दृष्टि भी देने वाले, दिशा भी देने वाले और साथ ही साथ विचारधारा को प्रखरता से रखने वाले ऐसे हमारे राज्यसभा में सांसद रहे पूर्व के अध्यक्ष वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्मान्य प्रभात झा जी, यहां दिल्ली में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के संसदीय बोर्ड के सदस्य वरिष्ठ नेता और भारत सरकार में मंत्री सम्मानीय थावरचंद गहलोत जी, भारत सरकार में मंत्री और लंबे समय तक हमारे साथ महामंत्री रहे और पूर्व में अध्यक्ष मध्य प्रदेश के सम्मानीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में विचारधारा से जुड़ते हुए एक बहुत ही साहसिक कदम उठाते हुए नए राज्यसभा के सदस्य बने पूर्व में मंत्री सम्मान्य ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, यहां सम्मानित मंच वहां भोपाल में उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ मंत्री हमारे पार्टी के पदाधिकारी और हमारे इमरजेंसी के दिनों में जिन्होंने यातनाएं सही ऐसे हमारे लोकतंत्र के सेनानी और हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु जो लाखों लाख कार्यकर्ता इस वर्चुअल रैली में जुड़े हैं, आप सबको आज इस मध्य प्रदेश के जनसंवाद में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत, आप सबको बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, आज जैसा कि शिवराज जी ने भी बताया और आप सबने हमारे लोकतंत्र के सेनानियों का स्वागत किया, 45 साल पहले आज ही के दिन 24 की रात और 25 की सुबह श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। वह काला दिवस प्रजातंत्र पर आघात था, 1,40,000 लोगों को जेल के शीशों के पीछे डाल दिया गया, कोर्ट की आवाज को बंद कर दिया गया,
जुडिशरी को अपने कब्जे में ले लिया गया, प्रेस को गला घोट दिया गया। क्या जर्नलिस्ट, क्या शिक्षाविद, क्या इंटेलेक्चुअल्स, क्या राजनेता 1,40,000 लोगों को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा और डीआईआर डिफेंस ऑफ इंडियन रूल के तहत जेल के सीखचों के पीछे डाल दिया गया। देश उनको नमन करता है, उन स्वतंत्रता सेनानियों को, लोकतंत्र के सेनानियों को जिन्होंने आजादी के तरीके की लड़ाई लड़ी और भारत को इस अधिनायकवाद से छुट्टी दिला करके लोकतंत्र को पुनः स्थापित किया। देश उनको आज नमन करता है, यह मैं आपके साथ कहना चाहता हूं। मित्रों, 45 साल बाद भारत के प्रजातंत्र ने बहुत मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ी है। आज कोई राजनेता के खिलाफ अगर एफआईआर भी होती है तो प्रश्न खड़ा होता है, देश में डिस्कोर्स होता है, देश में उसकी चर्चा होती है। लेकिन जब इमरजेंसी लगी थी तो जो लोग जेल में गए थे और लाखों परिवार जिनके कारण मुसीबत में आए थे, इनको जेल जाते समय यह पता नहीं था कि ये वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, ये वापस घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, प्रजातंत्र को बहाल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप सोचिए उनकी ताकत, आप सोचिए उनका वैचारिक कमिटमेंट, आप सोचिए उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता, जिन्होंने हर विपरीत परिस्थिति में अपने आप को एक महीना नहीं, दो महीना नहीं, किसी ने 20 महीने, किसी ने 21 महीने और किसी ने तो 22 महीने जेल की सीखचों के पीछे रह करके प्रजातंत्र की आवाज को मजबूत किया। इनको देश आज पुनः नमन करता है, ये मैं आपके साथ कहना चाहता हूं। मित्रों, आज हम गलवान घाटी में भी जो हमारे जवान जो देश की रक्षा करते करते शहादत दी है, उनको भी हम सब लोग मिलकर के श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि देते हैं, उनके परिवार को ताकत मिले कि इस दुख को सह सके। और साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह उनके परिवार के सपूत नहीं, ये देश के सपूत थे और देश सारा उनके परिवार के साथ खड़ा है, यह मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आज हम कोरोना वायरस के साये में इस जनसभा को कर रहे हैं, इस जनसंवाद को कर रहे हैं, इस वर्चुअल रैली को कर रहे हैं। जिन लोगों ने कोरोना संक्रमण के कारण जिनकी जाने गई, उनको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं, और जो कोरोना से लड़ रहे हैं वो जल्दी ठीक हो, ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ इस महामारी से लड़ने वाले हमारे कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, स्टाफ नर्स, सफाई कर्मचारी, पुलिस के अधिकारी पिछले 3.5 महीने से दिन रात एक करके मानवता की सेवा कर रहे हैं, उनका भी हम हौसला अफजाई करते हैं, उनको भी हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं जिन्होंने अपने जान को जोखिम में डाल करके इस कार्य को लेकर के मानवता की सेवा की है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के साथ तो खड़ी ही है, आइडियोलॉजी और विचार के साथ, लेकिन इसके साथ साथ इनोवेशन, नई नई तरकीब ढूंढना और उसको इंप्लीमेंट करना, यह भारतीय जनता पार्टी के कार्य की शैली है। भारतीय जनता पार्टी अपने संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, विचारधारा को मजबूत रखते हुए, नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जनता की सेवा के लिए तैयार रहना, तत्पर रहना, यह भारतीय जनता पार्टी के कार्य करने का तरीका है। और मुझे खुशी होती है जब मैं इसकी चर्चा करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि कोरोना के संक्रमण काल में जब देश में लॉकडाउन हुआ तो पार्टी के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ कि लॉकडाउन लग गया है, कैसे हम लाखों लोगों की सेवा करेंगे, कैसे पार्टी एक्टिव रहेगी, क्या पार्टी को और कार्यकर्ताओं को भी लॉकडाउन हो जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे खुशी है
कि भारतीय जनता पार्टी ने और आप सब लोगों ने मिलकर डिजिटल टूल का इस्तेमाल करते हुए वर्चुअल रैली के माध्यम से एक जीवित पार्टी को पूरी ताकत देकर राष्ट्रीय स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक करोड़ों लोगों की सेवा करने में लाखों कार्यकर्ता लगे, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, लगभग 5000 से ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे प्रदेश अध्यक्षों ने, हमारे प्रदेश के महामंत्रियों ने, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्रियों ने, हमारे जिला के अध्यक्षों ने बूथ तक के कार्यकर्ताओं को इस वर्चुअल रैली से जोड़कर पार्टी को एक्टिवेटेड रखा है। मुझे इसी दौरान मौका मिला, मैंने सभी जिला अध्यक्षों के साथ बातचीत करने का मुझे मौका मिला, मुझे सभी अपने मेयर्स के साथ बातचीत करने का मौका मिला, मुझे सभी सांसदों के साथ बातचीत करने का मौका मिला, मुझे प्रदेश और देश के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ एक बार नहीं अनेकों बार मिलकर के पार्टी को एक्टिवेट करने के लिए योजन करने का मौका मिला। मुझे खुशी है कि हम ये संतोष कर सकते हैं कि इस संक्रमण काल में लगभग 8 से 9 लाख कार्यकर्ताओं ने 19 करोड़ फूड पैकेज जरूरतमंदों तक पहुंचाया, यह भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड स्थापित किया। 5 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाया, 5 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाया, और यह राशन 10 दिन का राशन, 20 दिन का राशन, 1 महीने का राशन पहुंचाया। मास्क, फेस मास्क उस समय भारत में उपलब्ध नहीं हो रहा था, हमारी महिला मंडल ने, हमारे महिला मोर्चा ने, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप ने, हमारे सभी लोगों ने मिलकर 5 करोड़ मास्क बना करके उसका वितरण किया। यह अपने आप में रिकॉर्ड है, यह मैं आपके साथ बताना चाहता हूं। और मध्य प्रदेश को मैं बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने इस अवधि में 3 करोड़ फूड पैकेट और 30 लाख राशन किट, मोदी किट, और लगभग 5 करोड़ लाभार्थियों को फीड द नीडी कार्यक्रम में और 70 लाख लोगों को मास्क पहुंचाने का काम मध्य प्रदेश की इकाई ने किया। विष्णुदत्त शर्मा जी को और उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं, पार्टी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस काम को किया। मित्रों, आजकल लॉकडाउन खुल भी गया, अनलॉक भी हो गया, लेकिन अभी भी सारी राजनीतिक पार्टी लॉकडाउन की ही अवस्था में है। लेकिन मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस डिजिटल टूल का इस्तेमाल करते हुए लोगों को जुड़ने का काम किया। यह 45वीं वर्चुअल रैली हो रही है, इससे पहले 44 रैलियां हो चुकी है, 7 जून से लेकर के आज 25 जून तक यह 45वीं रैली हो रही है। और देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। और आपके साथ मुझे शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि हमारी जो असल में रैलियां होती है उसकी संख्या होती है 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख पहुंच जाए तो बहुत अच्छी मानी जाती है। इस समय मेरे साथ मध्य प्रदेश में 33 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, यह वर्चुअल रैली की ताकत हमको समझनी चाहिए। 33 लाख जुड़े हुए हैं और फेसबुक के फॉलोअर्स को जोड़ ले तो 50 लाख से ऊपर चला जाएगा, अगर हम चैनल्स के रीच को जोड़ ले तो यह 60 लाख से ऊपर चला जाएगा। आप देखिए वर्चुअल रैली की ताकत। राजस्थान को मैंने 3 दिन पहले संबोधित किया, जुड़ने वालों की संख्या 70 लाख थी। तेलंगाना में जुड़ने की कोशिश हुई, 35 लाख लोग जुड़े। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी में आप सब लोग विचार करें, यह ठीक है कि यह रैली अपने किस्म की है, लेकिन यह रैली कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की ताकत रखती है, इस बात को भी हमको समझना चाहिए और इसके साथ हमको काम में जुटना चाहिए। मित्रों, हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 6 साल पूरे होने पर और 6ठे साल के गतिविधियों के बारे में चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। मित्रों, मैं यह कह सकता हूं कि 6 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वह काम हुए हैं जो 6 दशक में नहीं हुए, उस 6 दशक के काम को पाटने का काम 6 वर्षों में किया है। तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, इस बात को समझना चाहिए। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेटर और स्पिरिट में इसको हम जानते हैं। याद करो 2014 का दिन, 14 का साल, क्या थी देश की अवस्था? पॉलिसी पैरालिसिस, प्रशासन चरमरा गया था। मालूम नहीं था कि प्रधानमंत्री का कार्यालय 7 रेस कोर्स जो आज 7 लोक कल्याण मार्ग है वहां है, या इसका कार्यालय कहीं और से चलता है। प्रशासन नाम की चीज नहीं थी। दुनिया के भारत का नाम एक भ्रष्टाचारी देश के तरीके से देखा जा रहा था। ऐसे समय में मोदी जी ने नेतृत्व संभाला और पिछले 6 वर्षों में दुनिया में भारत को स्थापित करने का काम और दुनिया की नजरों में भारत को बढ़ता हुआ देश और एक शक्तिशाली देश के रूप में रखने का काम और उसको पेश करने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। अगर मैं इस एक साल की अवधि की बात करूं 2019-20 की, तो मैं ये कह सकता हूं कि यह साल उपलब्धियों का भी साल था और वो उपलब्धियां जो दशकों से नहीं हुई थी वो उपलब्धि हासिल हुई है, लेकिन उसके साथ साथ संक्रमण से लड़ने वाला भी साल था और अपने आप में उस संक्रमण से लड़ने में मिसाल पेश करने का भी साल रहा। हम कोरोना के संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। याद कीजिए मार्च का समय, बड़े बड़े देश, शक्तिशाली देश अपने आप को लाचार असहाय महसूस कर रहे थे। याद कीजिए शक्तिशाली देश के स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई, लड़खड़ा गई, स्टैंडस्टिल हो गया, मुसीबत आ गई। उन देशों की संख्या कितनी? किसी की 1 करोड़, किसी की 2 करोड़, किसी की 20 करोड़, किसी की 12 करोड़। और ये 135 करोड़ का देश मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना संकट से लड़ने के लिए तैयार हुआ, और वह लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं थी, कोई पहले लड़ी हुई लड़ाई नहीं थी। इस लड़ाई के लड़ने का रास्ता मालूम नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने टाइमली और बोल्ड डिसीजन लेकर लॉकडाउन लगाकर देश के 135 करोड़ जनता को स्वास्थ्य के दृष्टि से नया जीवन दान देने का काम किया। इस बात को मैं आपके साथ कहना चाहता हूं, हमारा देश बच गया। याद कीजिए जब कोरोना के लॉकडाउन हुआ था, उस समय देश में एक भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पीपीई किट, मित्रों मोदी जी के नेतृत्व में पूरा रोड मैप देश को आगे बढ़ाने का तैयार है, वो आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से आगे बढ़ेगा, ये रोड मैप पूरा होगा, इसको समझना चाहिए। लेकिन मैं जानना चाहता हूं भैया, तुम्हारी कांग्रेस पार्टी का रोड मैप क्या है? गलवान घाटी में जिस तरीके से तुमने राजनीति की है, जिस तरीके से देश को भ्रम में डाला, ये वही कांग्रेस पार्टी है ना जिसने 2017 के अगस्त महीने में जब डोकलाम में हमारा और चाइना का स्टैंड ऑफ हो रहा था, पूरे जून महीने से लेकर अगस्त महीने तक आमने सामने टुकड़ियां खड़ी थी और डोकलाम पर स्टैंड ऑफ के दृष्टि से भारत सरकार और भारत के जवान अड़े हुए थे, उस समय राहुल गांधी यहां दिल्ली में चीन के राजदूत के साथ चुप चुप गुचगुच बातें कर रहे थे, चुपके चुपके गुफ्तगु लगा रहे थे, और फिर देश को नहीं बताया, देश को उसकी जानकारी नहीं दी। जब चाइनीज एम्बेसी ने अपने वेबसाइट पर वो फोटोग्राफ चढ़ा दिया, तब देश को इन्होंने बताया, ये इनकी करतूत है, ये इनका रोडमैप है, इसको समझना चाहिए। आज ही मुझे दंग हुआ, मैंने अभी टेलीविजन में देखा और मैं शॉक्ड हूं। मुझे आश्चर्य होता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005 और 6 में इस फाउंडेशन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चाइनीज एम्बेसी ने 3100 US डॉलर्स
ये कांग्रेस राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया इन लोगों ने, ये है कांग्रेस का, कांग्रेस पार्टी का और चाइना का गुपचुप रिश्ता। और उसके बाद राजीव गांधी फाउंडेशन ने बहुत सी स्टडीज कराई, उस स्टडीज के माध्यम से फ्री ट्रेड के वकालत की, फ्री ट्रेड को वकालत के नाम से आगे बढ़ाया। देखो देश में कितने बड़े बड़े खेल होते हैं, ये ऑपोजिशन के लोग ऑपोजिशन के नाम करते हुए किस तरीके से अपनी दोस्तियां निभाते हैं, इसको भी हमको समझना चाहिए। देश जानना चाहता है, राजीव गांधी फाउंडेशन को 300,000 यूएस डॉलर्स किस बात के लिए दिए गए थे, और वो देश के लिए जो उन्होंने स्टडीज की वो क्या स्टडीज थी, उसको देश जानना चाहता है। मित्रों, भ्रष्टाचार के बहुत रूप होते हैं, बहुत तरीके होते हैं, लोगों को अपने पक्ष में करने के बहुत से तरीके होते हैं। और आज चाइना के खिलाफ खड़े होकर के ऐसे खड़े जैसे इनके बराबर का कोई प्रहरी नहीं हो, इनके बराबर का पहरेदार ही कोई नहीं हो। एक परिवार की गलतियों के कारण 43,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा चला गया। इनको कोई नैतिक हक नहीं है देश की सुरक्षा के बारे में बातचीत करने का। यह परिस्थिति आज आकर के खड़ी हुई है। मित्रों, मैं ये सब आपके सामने इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि देश को जिस तरीके से गुमराह करने की बातचीत चल रही है, देश को जानना चाहिए कि ये वही लोग हैं जो चाइना से फंड लेते हैं और फंड लेकर के वो स्टडीज कराते हैं जो देश के हित में नहीं होता और उसके लिए वातावरण बनाते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं हमारे सामने देश की रक्षा की दुहाई करने के लिए। ये क्या तरीका है, इसको हमको समझने की आवश्यकता है। मैंने कल कुछ विषयों को उजागर किया था, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि एक जिसको जनता ने नकार दिया, ऐसा शाही राजवंश जिसे जनता ने नकार दिया, वह सारा ऑपोजिशन नहीं हो सकता। सारे राजनीतिक दल की पार्टियों की बैठक प्रधानमंत्री जी ने बुलाई थी गलवान के विषय को लेकर के। सभी राजनीतिक दल के लोगों ने कहा मोदी जी देश के लिए हम सब एक साथ खड़े हैं, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ खड़े हैं, यह उन्होंने कहा। सिर्फ एक परिवार और उस परिवार की अपनी नीयत और उसकी अपनी नीति, उन्होंने प्रश्न खड़े करने शुरू किए। एक परिवार शाही राजवंश वह ऑपोजिशन नहीं हो सकता, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। और मैंने उस परिवार के राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट की बात बताई, उसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी है, उसके मेंबर मनमोहन सिंह है, उसके मेंबर चिदंबरम, उसके मेंबर राहुल गांधी, ये सब लोग हैं। 300,000 US डॉलर्स का डोनेशन लेकर के हमें सिखाने लगे हो, हमें बता रहे हो राष्ट्रभक्ति, हमें सिखाते हो राष्ट्रभक्ति। ये बातें समझने की है और जानने की है, इनके कांग्रेस पार्टी के हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं, इस बात को भी समझना चाहिए। मित्रों, जब मैं आत्मनिर्भर की बात कर रहा हूं तो आत्मनिर्भर बात के साथ साथ मैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना की भी बात करना चाहता हूं। अभी 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम लॉन्च किया है जिसके माध्यम से 116 जिलों में और भोपाल मध्य प्रदेश के भी 21 जिले उसमें 24 जिले उसमें शामिल है, वो 24 जिलों पर जहां 25,000 से ज्यादा हमारे माइग्रेंट लेबरर्स आए हैं उनके लाने की व्यवस्था, उनको फिर से रोजगार देने की व्यवस्था उनके ही डेथ पैतृक गांव में, उनके ही इलाके में वो फिर से माइग्रेट न करे, वो फिर से वापस न जाए, वहीं उसकी जीविका के साधन करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। मैं शिवराज जी से निवेदन करूंगा, मुझे मालूम है शिवराज जी बहुत तत्पर होकर के सारी भारत सरकार की योजनाओं का उपयोग करते हुए मध्य प्रदेश की जनता को जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने में अपना योगदान करते हैं, और मुझे विश्वास है कि वो प्रधानमंत्री गरीब रोजगार योजना में भी अपनी पूरी ताकत लगा करके इसको करेंगे। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वोकल फॉर लोकल, मैं उसमें कहता हूं वोकल फॉर लोकल एंड मेक इट ग्लोबल, उसको ग्लोबल बना दो, और ग्लोबल बनाने के लिए आपके यहां फिर चाहे वो चंदेरी फैब्रिक हो, चाहे वो महेश्वरी फैब्रिक हो, चाहे वो धार का बाघ प्रिंट हो, फिर चाहे वो विदिशा की दरी हो, फिर चाहे वो टीकमगढ़ का मेटल क्राफ्ट हो,
ये सब वो इलाके क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं और हम उसमें अच्छा काम कर सकते हैं, इस बात को भी हमको समझने की जरूरत है। मित्रों, मैंने आपके साथ कुछ ज्यादा शब्द जरूर लिए होंगे, लेकिन कोरोना संक्रमण में भारत किस तरीके से आगे बढ़ा है इसको आपको बताने का प्रयास किया है। लेकिन ये 2019-20 का साल ये संक्रमण के साथ साथ उपलब्धियों का साल भी रहा है। यहां हम सब लोग बैठे हैं, नारा लगाते थे एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान, दो विधान नहीं चलेंगे, दो प्रधान नहीं चलेंगे। दो दिन पहले हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस मनाया। 1953 में वो 8 जून को 8 मई को अरेस्ट हुए थे लखनपुर बॉर्डर पर, जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर एंटर करते हुए। 23 जून को रहस्यमय तरीके से उनकी जान चली गई, वो रहस्य आज भी बना हुआ है। जवाहरलाल नेहरू ने उस रहस्य को कोई इंक्वायरी नहीं की, यह भी अपने आप में रहस्य बना हुआ है। लेकिन मैं उस समय भी कहता था, कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री के रूप में लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई थी। महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत भारत के संविधान के प्रथम शेड्यूल में 15वां राज्य घोषित कर दिया था जम्मू कश्मीर। और क्या कहा गया था, द जम्मू कश्मीर इन द फर्स्ट शेड्यूल द 15th स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर ऑल द बॉर्डर्स विच हैव बीन इन द पोजेशन ऑफ महाराजा हरि सिंह विल बिकम द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। लेकिन वहां पर उन्होंने धारा 370 लगाई और धारा 370 के तहत अलगाववाद के बीज बोए। हम 6 दशक से लड़ते रहे, इसीलिए मैंने कहा 6 दशक का काम 6 साल में किया और 6 साल में भी इस 1 साल में धारा 370 का धाराशाही किया। मित्रों, हम सब लोगों की उम्मीद थी, लेकिन आप लोगों ने मेहनत करके मोदी जी के नेतृत्व में 303 एमपी जिताए और 303 एमपी जीत करके आए। भारत के संविधान में, भारत के संसद में हमें भी, हमारे साथ थावरचंद जी को ये नेता राज्यसभा और हमारे अपने नरेंद्र सिंह तोमर जी को 5 और 6 अगस्त को वो मौका मिला जो हमने अपनी उंगली से पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग के समय बटन दबाकर धारा 370 को धाराशाही कर दिया। इस बात को हमको समझना चाहिए। और मित्रों, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति थी जो असंभव को संभव करके दिखाया है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि अब वहां का जो ट्राइबल है, गुजर, बकरवाल, मुसलमान भाई, यह मुस्लिम स्टेट बोलते थे, ये मुसलमानों की दुहाई देने वाले, मुस्लिम वोट बैंक की बातचीत करने वाले, जम्मू कश्मीर में ट्राइबल मुस्लिम गुजर और बकरवाल को राजनीतिक आरक्षण नहीं था। एक भी लोकसभा की सीट एसटी की नहीं है, ट्राइबल की नहीं है। एक भी विधानसभा की सीट जम्मू कश्मीर में ट्राइबल नहीं है। अब परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन होगा और अब जम्मू कश्मीर में ट्राइबल सीट भी होगी और पहली सभा में हमारा गुजर और बकरवाल मुसलमान जा सकेगा, यह परिस्थिति है। मित्रों, आपको मालूम नहीं होगा कि वहां हमारे ये दलितों की दुहाई देते हैं ना कांग्रेस पार्टी वाले, ये दलितों की दुहाई देते हैं। वहां पर वाल्मीकि का बेटा धारा 370 के कारण सिर्फ सफाई कर्मचारी लग सकता था और कुछ नहीं लग सकता था, वो डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं कर सकता था, वो इंजीनियर नहीं बन सकता था क्योंकि उसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं था। आज धारा 370 हटी है, अब वाल्मीकि का बेटा भी, दलित भाई भी डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, जज भी बनेगा, जम्मू कश्मीर के प्रशासन में भी काम करेगा। यह बात हमको समझनी चाहिए। वहां महिलाओं को, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, उनको यह अधिकार नहीं है कि अगर वो जम्मू कश्मीर के बाहर विवाह कर ले तो उनका संपत्ति पर अधिकार रहेगा, नहीं रहेगा। लेकिन अब धारा 370 हटी है, अब वो बहनें
देश के किसी भी कोने में किसी से भी विवाह कर ले, श्रीनगर में उनकी संपत्ति पर उनका बराबर का अधिकार रहेगा, यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। हमारे जो वेस्ट पाकिस्तान से आए थे और जम्मू कश्मीर में बस गए, वो काउंसिलर का चुनाव नहीं सकते थे, वो एमएलए का चुनाव नहीं सकते थे, वो वोट नहीं डाल सकते थे लोकसभा में। आज धारा 370 हटा है, अलगाववाद के बीज हटे हैं, अब वो वोट भी देंगे और चुनाव भी लड़ सकेंगे, यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। भारत के 106 कानून धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर पर नहीं लगते थे, अब वो सारे कानून लगेंगे, यह हम आपको बताना चाहते हैं। अगर हम ट्रिपल तलाक की बात करें, यहां हमारे मुस्लिम भाई, आपको मालूम है प्रहलाद झाजी ने बहुत बहस की संसद में, राज्यसभा में, और उन्होंने धारा अपने ट्रिपल तलाक पर बहुत अच्छे तरीके से सारे व्याप का व्याख्यान किया, लेकिन कांग्रेस के लोग मुस्लिम वोट बैंक, उस वोट बैंक के आगे झुक जाना देश के लिए क्या आवश्यक है और अच्छा है यह नहीं ध्यान रखना, यह सदियों से चली आई कुरीति थी। इस कुरीति के खिलाफ मोदी जी ने संकल्प लिया, ट्रिपल तलाक समाप्त किया और 9 करोड़ माताएं बहनों को इस कुरीति से आजादी दिलाई है, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। और आपको जानकर के फिर आश्चर्य होगा कि बांग्लादेश इस्लामिक देश है, वहां ट्रिपल तलाक लागू नहीं है। पाकिस्तान बांग्ला इस्लामिक देश है, वहां ट्रिपल तलाक लागू नहीं है। टर्की इस्लामिक देश है, वहां ट्रिपल तलाक लागू नहीं है। सीरिया इस्लामिक देश है, वहां ट्रिपल तलाक लागू नहीं है। मलेशिया मुस्लिम बहुतायत है, वहां ट्रिपल तलाक लागू नहीं है। अफगानिस्तान इस्लामिक देश है, वहां ट्रिपल तलाक लागू नहीं है। उसी तरीके से हमारे इंडोनेशिया मुस्लिम बहुतायत है, वहां ट्रिपल तलाक लागू नहीं है। लेकिन हमारे भारत में सेक्युलर राज्य में मुस्लिम बहनों के साथ इतनी बड़ी कुरीति चली हुई थी, उससे आजादी दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जब आजादी हुई तो उस समय बांग्लादेश में माइनॉरिटीज की संख्या 23% थी। जब आजादी हुई तो उस समय वेस्ट पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की संख्या 28% थी। आज पाकिस्तान में 3% रह गई है, कहां चले गए ये माइनॉरिटीज? आज बांग्लादेश में 7% रह गई है। अफगानिस्तान में 50,000 सिख परिवार थे, सिखी को मानने वाले, सिख धर्म को मानने वाले, आज वहां सिर्फ 3,000 रह गए, कहां चले गए? बांग्लादेश से कौन आया? दलित आया। यहां ये दलित की दुहाई देते हैं, वो मथुरा समाज, वो नमोशूद्र समाज, वो मेघवाल समाज, ये सब आकर के भारत में बसे। महात्मा गांधी ने कहा कि जिनको धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आना पड़ रहा है, उनको भारत सरकार रोजी रोटी मुहैया कराए, उनके रहने की व्यवस्था करे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो लोग ये बाहर से आए हैं, इनको यहां पर नागरिकता भी देंगे और नागरिकता के साथ साथ इनको हम बसाने के लिए आपदा राहत कोष से भी पैसे देने की व्यवस्था करेंगे। मनमोहन सिंह ने 2003 के दिसंबर में उस समय के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के सामने यह कहा कि बांग्लादेश से आए हुए सिख परिवारों को, अफगानिस्तान से आए हुए सिख परिवारों को और बांग्लादेश से आए हुए माइनॉरिटीज को यहां सिटीजनशिप राइट देना चाहिए। मुझसे लोग मिले, इंदौर के सिंधी भाई मिले थे, मुझसे लोग मिले अफगानिस्तान से आए हुए सिख भाई, यहीं दिल्ली में इसी पार्टी कार्यालय में मिले, 20 साल से वो यहां भारत में रह रहे हैं, उनका बेटा मेडिकल में एडमिशन नहीं ले सकता, उनका बेटा स्वास्थ्य का कार्ड नहीं बना सकता, उनकी बच्ची कॉलेज में पढ़ नहीं सकती क्योंकि वो भारत के नागरिक नहीं। आप बताइए किस तरीके का जीवन था? यह नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति थी जिन्होंने कहा कोई भी राजनीतिक दृष्टि से प्रताड़ित होने वाला, हमारा बौद्ध, हमारा सिख, हमारा हिंदू, हमारा जैन, हमारा पारसी, जो लोग प्रताड़ित होकर के आए हैं उनको भारत। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल सोशल मीडिया के माध्यम से अपील भी की थी कि वर्चुअल रैली में ज्यादा से ज्यादा लोग एकत्रित हो और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता इस रैली को सफल बनाए, जिसके चलते वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया है।
बता दें कि जनसंवाद रैली फिलहाल की जा रही है, जहां बीजेपी के कई बड़े नेता इस दौरान अपना संबोधन भी दे रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस दौरान वर्चुअल रैली में हिस्सा ले रहे हैं। इसी तस्वीर आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं, जो आपको बता दें कि आज बीजेपी की वर्चुअल रैली है और इस वर्चुअल रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया है और ताली बजाकर कोरोना वॉरियर्स को अपना दृष्टि और दिशा देने का काम किया। इसलिए यह नेतृत्व सिर्फ देश को नहीं, दुनिया को भी नेतृत्व